और आप देख रहे हो टीच टू टीच बाय उस्मान। इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो हमारा है AECR 2। यानी इस टॉपिक में हम कैटलॉगिंग करना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन थी कि AECR 2 को किस तरीके से करना है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो क्लासिफिकेशन को लेकर रहेगा कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं और कैटलॉगिंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ समझते हैं कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक जैसी चीज़ों को एक ही स्थान पर रखना हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने घर को देखिए, आप अपने घर में देखिए, घर में क्या होता है कि खाना बनाने वाली सारी चीज़ें एक जगह रखी जाती हैं, कपड़े वगैरह एक जगह रखे जाते हैं और जूते चप्पल वगैरह जो होती है हमारी वो एक जगह रखी जाती है। तो उसी को हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि ये एक जैसी चीज़ें हैं और इनको हम एक जगह रख देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम किचन की बात करें तो किचन में हम सभी चीज़ों को एक जगह पर रख देते हैं, मसाला एक जगह पर रख देते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसको हम एक जगह पर रख देते हैं। तो हमने ये क्लासिफिकेशन क्यों किया, हमने ये सभी चीज़ों को एक स्थान पर ही क्यों रखा। हमने एक ही स्थान पर इसलिए रखा ताकि यदि हमें कोई ज़रूरत पड़े तो हम उसको तुरंत जान लें। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत होती है। ये तो हमने अभी बेसिक का कॉन्सेप्ट समझा कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत होती है। जब आप किसी लाइब्रेरी में एंटर करते हो तो सबसे पहले आप क्या चीज़ देखते हो, सबसे पहले आप चीज़ देखते हो बुकों का भंडार, क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बुक ही रखी जाती है। और जब तुम लाइब्रेरी में एंटर करते हो तो लाइब्रेरी में एंटर करने के बाद हमारे मन में एक कन्फ्यूज़न आती है कि इतनी सारी बुकों में मेरी बुक कहाँ पर होगी और मुझे किस प्रकार से मेरी बुक जल्दी मिले, क्योंकि यदि मेरी बुक नहीं मिलेगी तो लाइब्रेरी का यूज़ करना मेरे लिए बेकार है। तो पाठक को सही समय पे उसकी पुस्तक मिले, उसी को हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। अब इस क्लासिफिकेशन के माध्यम से क्या होता है कि यदि यूज़र जब लाइब्रेरी में एंटर करता है और उसे जो बुक चाहिए होती है वो बुक अपने लाइब्रेरी स्टाफ को बताता है और लाइब्रेरी स्टाफ क्या करता है उसको सर्च करता है और उसको वो बुक दे देता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मुझे हिस्ट्री की बुक चाहिए और जब मैं लाइब्रेरी में एंटर करता हूँ तो लाइब्रेरी में एंटर करने के बाद बहुत सारी बुकें होती हैं, उसमें हिस्ट्री की बुक कौन सी होती है, तो क्लासिफिकेशन के थ्रू क्या होता है कि हिस्ट्री की बुकों को एक रो में रख दिया जाता है, ज्योग्राफी की बुकों को एक रो में रख दिया जाता है ताकि बुकों को आसानी से पहचान सके। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन का क्या अर्थ होता है, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन शब्द भाषा की हुई है। लैटिन भाषा से किस शब्द से हुई है, क्लासिस शब्द से। अब क्लासिस शब्द का क्या यूज होता था, जो वर्गीकरण है इसका प्रयोग प्राचीन रोम में किया जाता था, वो भी संपत्ति को बांटने के लिए। वहीं से हमारी लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन को लिया गया है। और अगर हम बात करें डॉक्टर एशा रंगनाथन के अनुसार, जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहलाते हैं, उनके अनुसार क्लासिफिकेशन का क्या अर्थ है, उनके अनुसार क्लासिफिकेशन का अर्थ है कि पुस्तक के विशिष्ट नाम को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कहलाता है। मींस जो बुक का जो बड़ा नाम होता है उसको छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करना ही, हम छोटे शब्दों में करना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन का अर्थ समझ में आया होगा, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है ये समझ में आया होगा और लाइब्रेरी में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कैटलॉग की, यानी कैटलॉगिंग, क्योंकि AECR 2 को करने के लिए कैटलॉगिंग भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो AECR की जब हम बात करते हैं तो कैटलॉगिंग में हम क्या करते हैं कि इससे पहले जब हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन में हम सभी चीज़ों को एक जगह पे रख दिया जाता है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सभी चीज़ों को यदि एक जगह पे रख दिया जाता है तो उसमें से भी अपनी ज़रूरत की चीज़ों को कैसे ढूंढें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि मसालों को एक ही जगह पर रख दिया जाए और किसी व्यक्ति ने बोला कि मुझे ये वाला मसाला चाहिए, तो आप किस प्रकार से ढूंढ के लाओगे, तो आप उसके लिए क्या करोगे कि मसालों के नामों के अकॉर्डिंग उसको एक जगह पे रखोगे कि इसमें ये मसाला, इसमें ये मसाला, इसमें ये मसाला।
ठीक उसी प्रकार से लाइब्रेरी में भी क्या होता है कि जब हिस्ट्री की बुक लेने अगर कोई आया है यूजर कि मुझे हिस्ट्री की बुक चाहिए, तो हिस्ट्री की बुक भी बहुत सारी होती है, एक बुक थोड़ी होती है हिस्ट्री की, काफ़ी सारी बुक होती है। तो उसमें से मेरी हिस्ट्री की बुक कौन सी है, मुझे कौन सी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैटालॉगिंग करते हैं। कैटालॉगिंग में क्या होता है कि जैसे मैं एंटर करूँगा लाइब्रेरी स्टाफ वालों से बोलूँगा कि मुझे हिस्ट्री की ये वाली बुक चाहिए, इस ऑथर के नाम की चाहिए, इस एडिटर इस एडिशन की चाहिए, इस एडिटर की चाहिए, तो वो क्या करेगा तो वो क्या करेगा, तुरंत लाइब्रेरी कंप्यूटर में सर्च करेगा और वो मुझे बताएगा कि मेरी बुक कहाँ रखी हुई है। तो इसीलिए कैटलॉगिंग करना बहुत जरूरी है। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि सभी पुस्तकों को एक ही जगह पे रख दिया गया, और उस पुस्तकों को भी अगर हमें ढूंढना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैटलॉगिंग की बात करते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग किसे कहते हैं। तो जिस प्रकार से क्लासिफिकेशन शब्द आया ठीक उसी प्रकार से कैटलॉग भी आया है। कैटलॉग शब्द जो आया वो ग्रीक भाषा के कैटालोगस शब्द से आया है। कैटा मतलब होता है अनुसार या से, और लोगस मतलब होता है क्रम में, मतलब सीक्वेंस वाइज। अब हम बात करते हैं डॉक्टर एस रंगनाथन के अनुसार, तो डॉक्टर एस रंगनाथन के अनुसार कैटलॉग क्या है, कैटलॉगिंग एक उपकरण है जो पाठक को लाइब्रेरी में रखी पुस्तकों की जानकारी देती है। मतलब जो पाठक है उस पाठक को पता होता है कैटलॉगिंग के थ्रू कि मेरी पुस्तक कहाँ पर है। आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, आपको कैटलॉगिंग समझ में आई होगी। तो हम अपना मेन मोटिव जो हमारा ACR2 उसके आज हम प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हम कुछ क्लासिफिकेशन स्कीम को समझ लेते हैं कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम अभी वर्किंग होती है। तो क्लासिफिकेशन स्कीम में सबसे पहली क्लासिफिकेशन स्कीम आती है DDC। DDC के बारे में आप लोग सभी समझ चुके हो, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है UDC, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। उसके नंबर पर आते हैं तीसरे नंबर पे है CCC यानी क्लॉन क्लासिफिकेशन। ये और भी क्लासिफिकेशन है लेकिन ये तीन हमारे सिलेबस में थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल से दे रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा डिटेल इसके बारे में दे रखा है, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसके माध्यम से बुकों को सिक्वेंस में किया जाता है, मतलब उनको अलग अलग किया जाता है, बांटा जाता है। अब हम बात करते हैं कैटलॉगिंग की। कैटलॉग भी काफी प्रकार के होते हैं, जैसे ACR2 यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड एडिशन, इसका फर्स्ट एडिशन भी आया था। फिर हैगा CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड। ये कुछ क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग स्कीम है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो आप एक बार इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल, तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग का मतलब ACR फर्स्ट जो आया था वो हमारा 1967 में आया था, और ACR 2 जो आया था वो हमारा 1978 में आया था। तो ACR 2 को कैटलॉगिंग करने से पहले हम उसके कार्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो ACR कार्ड जो होता है उसकी जो चौड़ाई होती है वो 12.5 सेंटीमीटर होती है और 5 इंच होती है। अगर हम इंच में काउंट करेंगे तो 5 इंच, अगर हम सेंटीमीटर में काउंट करेंगे तो 12.5, और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर, या अगर हम इसको इंच में कवर करें तो इंच में हम उसको बोलेंगे 3 इंच। तो उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमने कार्ड बना लिया, ये हमने पूरा एक आयत का कार्ड बना लिया, और इसमें ये जो वर्टिकल लाइन जो जारी है, 1, 2, 3 आप लाइन देख रहे होंगे, इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं फर्स्ट इंडेंशन, और इस वाली लाइन को बोलते हैं सेकंड इंडेंशन, और ये जो लाइन जारी है डॉट 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 ये होती है थर्ड इंडेंशन। ये जो थर्ड वाली जो लाइन है ये इमेजिनरी लाइन होती है, इसको हम बहुत रेयर केस में यूज करते हैं, जब हमें किसी भी ऑथर को नहीं दिया हो, सिर्फ हमारा अगर टाइटल हो तो हम इस लाइन का यूज करेंगे उसमें। ये होता है हमारा पंच होल होता है जिसमें हम लाइब्रेरी कार्ड को रखते हैं बांधकर, और यहाँ लिखते हैं बॉक्स हमेशा ऊपर जो होता है कोने में उसमें लिखते हैं कॉल नंबर। कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से लिखा जाएगा, याद रखें। कॉल नंबर में भी 3 चीजों को शामिल किया जाता है, जिसमें से बॉक नंबर, क्लास नंबर और कलेक्शन नंबर को जोड़ के हम क्या बनाते हैं, कॉल नंबर बनाते हैं। तो ये हमने एक कार्ड बनाया, अब इस कार्ड की हम प्रैक्टिस करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ACR 2 के कार्ड में हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जिसमें से सबसे पहला है पंक्चुएशन यानी चिन्ह। कुछ चिन्ह जो दिए होते हैं उसे हमें याद रखना होता है, उसको हमें लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल से पहले कुछ चिन्ह है, जैसे फुल स्टॉप हो गया, कोलन हो कॉलन हो गया, कॉमा हो गया, हाइफन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, इसको हम इसमें यूज़ करेंगे।
तो जैसे सब टाइटल से पहले हम क्या लिखते हैं, सब टाइटल से पहले हमारा क्या है, क्लोन है। जैसे हमारा सब टाइटल है, सब टाइटल से पहले हम क्या लिखेंगे, क्लोन लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या है, ऑथर से पहले स्लैश है, तो ऑथर ये रहा, और ऑथर से पहले हमने क्या लगाया है, स्लैश लगाया है। फिर उसके बाद है सेकंड रिस्पॉन्सिबल से पहले हमने क्या लगाया, हाइफन लगाया है, हाइफन हमारा ये है। फिर सेकंड एडिशन से पहले भी हमने हाइफन लगाया है, एडिशन से पहले भी हमने हाइफन लगाया है। पब्लिकेशन प्लेस से पहले भी हमने एक हाइफन लगाया है, ये रहा, पब्लिकेशन प्लेस से पहले हमने क्या करा, एक हाइफन लगाया है। पब्लिशर से पहले हमने क्या करा है, क्लोन लगाया है, पब्लिशर से पहले क्लोन लगाया है। और पब्लिकेशन ईयर से पहले हमने कॉमा लगाया है, और उसके बाद फिजिकल डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लगाया है, सेमीकोलन लगाया है। तो ये फॉर्मेट है आपका, जो ACR2 का जो कार्ड बनेगा वो फॉर्मेट बनेगा। हमें उस क्वेश्चन में टाइटल दिया होगा, मतलब टाइटल दिया होगा, सब टाइटल दिया होगा, ऑथर का नाम दिया होगा उस क्वेश्चन में, एडिशन दिया होगा, और प्लेस और पब्लिकेशन दिया होगा, पब्लिशर दिया होगा, डेट दी होगी, नंबर ऑफ पेजेस दिए होंगे, साइज ऑफ द बुक दी होगी, अगर सीरीज बुक की चल रही है तो सीरीज भी दी होगी, फिर ISBN नंबर दिया होता है, एक्सेसर नंबर को हम पेज नंबर के सामने लिखते हैं, और ISBN नंबर दिया होता है। फिर उसके बाद हम ट्रेसिंग करते हैं, मतलब जब लाइब्रेरी में यूजर आता है तो वो किस किस तरीके से बुक मांग सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेसिंग करते हैं, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बुक मांग सकता है, या हमारे बहुत सारे ऑथर होते हैं तो किसी भी ऑथर के नाम से बुक मांग सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेसिंग करते हैं। और एक बात, और इनके बीच में जो गैप अगर आपको देना है, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रही होगी कि इनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो 8 अक्षरों का गैप इसमें तुम रख सकते हो, 4 अक्षरों का गैप इनके बीच में रख सकते हो। और जो मैंने बताया था पहले कि यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी लाइन है, तो इमेजिनरी लाइन में तुम 2 अक्षर का लिख सकते हो। तो ये फॉर्मेट है, इसको लिख लो और इसको याद कर लो, इसी फॉर्मेट से तुम्हारे सारे ACR2 के कार्ड बनेंगे। अगर ये फॉर्मेट याद नहीं होगा, ये पंक्चुएशन आपको याद नहीं होगी, ये चिन्ह आपको याद नहीं होंगे, तो ACR2 आपको समझ में नहीं आएगा। तो ACR2 को समझने के लिए पहले इसको बहुत अच्छे से फोकस करना है। कॉल नंबर आपको हमेशा पेंसिल से लिखना है, कोने में लिखना है, मैंने बता दिया, क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ पर टाइटल दिया रहेगा बुक का जो हमें लिखेंगे, अभी हम एक और एग्जांपल करेंगे, हम टाइटल दिया होगा, टाइटल के बाद जो भी हमारा टाइटल होगा वो लिखेगा। और एक और चीज, जब हम बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स बनाते समय जब हम टाइटल लिख रहे हैं और हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है, तो ऐसा नहीं कि हम उसे यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम फर्स्ट इंटेंशन से शुरू करेंगे। और बात, फर्स्ट इंटेंशन से शुरू करते समय यदि हमारा कोई भी टाइटल है, यदि हम उसको लिख रहे हैं तो अगर वो लाइन के ऊपर आ रहा है तो लाइन के ऊपर लिख देना है, ऐसा नहीं कि तुम लाइन के इस साइड जाके लिखो, लाइन के इस साइड जाके नहीं लिखना है, लाइन के ऊपर सीधा लिख देना है आपको। फिर सब टाइटल लिखना है, सब टाइटल के बाद आपको स्लैश लगाना है, फिर ऑथर्स का नाम दिया होगा उसमें ऑथर्स का नाम लिखना है, फिर एक हाइफन लगाना है, हाइफन के बाद उसमें एडिशन दिया होगा, एडिशन के बाद फिर एक और हाइफन लगाना है, हाइफन के बाद फिर प्लेस और पब्लिकेशन लिखना है, कि मतलब बहुत जरूरी है याद रखना है, इसी में मार्क्स करते हैं हमारे। फिर उसके बाद हम आप, फिर डेट ऑफ पब्लिकेशन कब इसका हो रहा है, फिर पेजेस दिए होंगे हमें, सीरीज दी होगी, ISBN नंबर दिया होगा, एक्सेसर नंबर दिया होगा, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फिट करना है। तो आप एक का इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इसको करके बताता हूं, तो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये ACR2 की कैटलॉगिंग कैसे करते हैं आपके साथ, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें एक टॉपिक दिया रहेगा, उसमें इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर साइंस, ये हमारा टॉपिक हो गया। उसके बाद हमें ऑथर दिया होगा जयेश बरयान, और उसके बाद सेकेंड एडिशन, उसके बारे में कुछ डिटेल दी होगी। ये हमारा जो एरिया दिया होगा नीचे वाला, उसके बाद ये पब्लिकेशन प्लेस का है, कहाँ से पब्लिश हुई है, कौन पब्लिश कर रहा है, ये पब्लिशर का नाम है, कब पब्लिश हुई है, डेट है, और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन में हमें कॉल नंबर दिया होता है, एक्सेसर नंबर दिया होता है, पेज नंबर दिया होता है, साइज नंबर दिया होता है, और ISBN नंबर दिया होता है, ये कुछ डिटेल दी जाती है। इसी डिटेल को हमें क्या करना है कि इसी डिटेल को हमें कैटलॉगिंग करनी होती है, उसी को हमें पढ़ना होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ पंक्चुएशन उसमें याद रखने होते हैं, तो एक फॉर्मेट भी बताया था, तो उसी फॉर्मेट के अनुसार हम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर हमेशा क्या आता है, कॉल नंबर आता है, कॉल नंबर आता है, तो कॉल नंबर हमेशा क्या होता है कि पेंसिल से लिखा जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ऑथर का नाम आता है। एक बात यहाँ पर याद रखने वाली चीज है कि ऑथर का नाम यहाँ पर रिवर्स गे में, मतलब रिवर्स में आता है, कि यहाँ पर पहले सर नेम आएगा, फिर उसके बाद फोर नेम आएगा। जैसे कि यहाँ पर ऑथर का नाम दे रखा है जयेश बरयान, तो यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा, बरयान जयेश, तो ऑथर का नाम क्या होगा, पहले सर नेम आएगा, फिर उसके बाद उसका रियल नेम आएगा, जो उसका नेम है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने टाइटल लिखा था, टाइटल हमारा था, इसमें दे रखा है इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर साइंस, तो हम यहाँ लिखते हैं इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर साइंस।
उसके बाद मैंने बताया था फॉर्मेट में एक स्लैश होगा, स्लैश लगाना है। स्लैश लगाने के बाद ऑथर का नाम बताया था, तो ऑथर का नाम हमारा ये है। तो ऑथर का नाम यहाँ जब लिखेंगे तो ऑथर का नाम यहाँ एकदम सीधे लिखेंगे, जो उसका नाम है पूरा वही लिखेंगे जो क्वेश्चन दिया है। लेकिन जब हम हेडिंग वाली लाइन में जब ऑथर का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर रिवर्स में उसका नाम आता है, लेकिन नीचे जब हम ऑथर का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर एकदम सीधे सीरियल वाइज में उसका नंबर आता है। फिर हाइफन बोला था लगाने के लिए, हाइफन के बाद सेकंड एडिशन, क्योंकि सेकंड एडिशन इस पे दे रखा है, यहाँ पर और भी बहुत सारे कुछ भी एडिशन दे रखा होगा। फिर यहाँ पर पब्लिकेशन ईयर का बताया था, पब्लिकेशन ईयर इसमें दे रखा है, गोपा रोशन ये पब्लिकेशन प्ले से, और कौन पब्लिशर करता है, पब्लिशर ये है हमारा, पब्लिशर नीचे दे रखा है टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप, ये हमारा पब्लिशर है, तो हमने यहाँ पर पब्लिशर लिख दिया। पब्लिशर के बाद फिर हमारा आता है कुछ अदर इन्फॉर्मेशन को भरने के लिए। पब्लिशर के बाद हमने यहाँ पर ये चिन्ह लगाया था, उसके बाद हमने डेट लगाया, फिर उसके बाद डॉट लगा दी। फिर उसके बाद आता है पेजेस, इसमें अदर इन्फॉर्मेशन में आप देखोगे पेज दे रखा है, पेज हमारा सबसे पहले कैसे दे रखा है, रोमन गिनती में दे रखा है, फिर उसके बाद अरेबिक काउंटी काउंटी में दे रखा है, फिर उसके बाद पेजेस ले रखा है। तो सबसे पहले हम रोमन काउंटी में आएंगे, फिर उसके बाद एक चेन, फिर उसके बाद 402 पेज, फिर पेज, फिर एक क्या लगाएंगे सेमी कॉलन लगाएंगे, फिर उसके बाद साइज ऑफ बुक का नंबर हमने बताया था, तो साइज के बाद हमने यहाँ लिख दिया साइज। उसके बाद पेज नंबर के सामने हमें एक्सेशन नंबर, तो पेज नंबर के बाद पेज नंबर के सामने ही हमें एक्सेशन नंबर लिखना होता है, तो एक्सेशन नंबर भी इसमें दे रखा है। फिर उसके बाद आईएसबीएन नंबर दिया था, आईएसबीएन नंबर पहले 10 नंबर का होता था, लेकिन जनवरी 2017 से 13 नंबर का हो गया है। फिर उसके बाद हम ट्रेसिंग की बात करते हैं, हमें यहाँ पर वह चीजें लिखनी होती है जिससे यूजर किसी और नाम से भी उस बुक को ढूंढ सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है न्यूक्लियर साइंस फिर टाइटल, तो यहाँ पर मैंने ये टाइटल के नाम से मैंने एंट्री की है, ये जो हमारी एंट्री बनी है हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाया, यहाँ पर न्यूक्लियर साइंस फिर टाइटल, ये हमारी जो हमने जो बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारे का है, ये हमारा है मैन एंट्री। जैसे एडिटर हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऑथर होते हैं एक बुक के, तो उसके लिए भी हमें बहुत सारे एडिट एंट्री करनी पड़ती है। तो ये मैन एंट्री बनाई, मैन एंट्री में फिर हम उसके बाद एक और एंट्री बनाते हैं, तो ये हमने नीचे वाली जो एंट्री कर रखी है ये टाइटल एंट्री है। टाइटल एंट्री में क्या होता है कि सारी चीजें वही होती है, यहाँ पर कॉल नंबर सेम है, कॉल नंबर पेंसिल से लिखना याद रखना है। फिर जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट बनाते समय हेडिंग सेक्शन में जहाँ हेडिंग एरिया हमारा होगा उसमें हमें सब्जेक्ट को कैपिटल वर्ड में लिखना है, हमेशा याद रखें कैपिटल वर्ड में लिखेंगे यहाँ पर हम सब्जेक्ट को। उसके बाद फिर हम लिखेंगे रिवर्स में लिखेंगे इसका नाम यहाँ पर बयान जैसा जो ऑथर हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे रेस्ट एज इन द मैन एंट्री, मतलब बाकी चीजों के लिए क्या करें मैन एंट्री लिखे। तो एडिट एंट्री जितनी भी बनेगी उसमें हमें सिर्फ वही डिटेल डालना है जिसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री बनानी है। तो टाइटल एंट्री बनाने की सब्जेक्ट एंट्री बनाई है मैंने, सॉरी टाइटल एंट्री नहीं है सब्जेक्ट एंट्री है। तो सब्जेक्ट एंट्री बनानी है तो सब्जेक्ट एंट्री लिखनी है यहाँ पर। हमारा है इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर साइंस, तो ये हमने जो एंट्री बनाई है ये कौन सी एंट्री बनाई है हमने, ये हमने बनाई है टाइटल एंट्री, ये वाली एंट्री हमने सब्जेक्ट एडिट एंट्री से बनाई थी, और ये वाली एंट्री जो हमने बनाई है ये टाइटल एंट्री बनाई है। टाइटल एंट्री में भी क्या लिखना है इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर, ये हमने टाइटल लिख दिया, अगर साइंस वाले लिख दिया ये इसी के अंदर आएगा बॉक्स के अंदर। फिर उसके बाद कॉल नंबर, फिर उसके बाद ऑथर का नाम रिवर्स में, फिर रेस्ट इन द मेन एंट्री। सबसे पहले कॉल नंबर, फिर ऑथर का नाम दिया रहेगा इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर साइंस, फिर उसके बाद स्लैश लगाना है, फिर यहाँ पर ऑथर का नाम जो होगा वो एकदम सीरियल में आएगा, फिर हाइफन सेकंड एडिशन, फिर बोका रोशन, यहाँ पर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, फिर ये पब्लिशर रहेगा, फिर ये ईयर है, तो इसके बीच में जो मैंने साइन लगा रखे हैं ये जो चिन्ह लगा रखे हैं ये इससे मिस मत करें, ये जैसा है वैसे लिखना है। और एक चीज और याद रखें, ये लाइन के ऊपर भी कुछ वर्ड आ रहे हैं तो ये लाइन के ऊपर भी वर्ड आपको लिखने हैं। पेजेस ऐसे लिखने हैं, पेजेस पहले रोमन काउंटिंग में दिया रहेगा, फिर अरबी काउंटिंग में दिया रहेगा, वैसे अकॉर्डिंग लिखना है। इसके सामने एक्सेशन नंबर लिखना है, फिर आईएसबीएन नंबर लिखना है, फिर ट्रेसिंग करनी है किस किस नाम से यूजर उस पुस्तक को मांग सकता है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मांग सकता है वो, बोल जाएगा कि मुझे न्यूक्लियर साइंस के ऊपर न्यूक्लियर साइंस की बुक चाहिए, तो हम उसके लिए एडिट एंट्री बनाएंगे। फिर वो टाइटल के ऊपर बोल सकता है कि मुझे इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर साइंस चाहिए, तो हम फिर टाइटल के आधार पर हमने बना दी कि इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर साइंस। कहने का मतलब ये है कि एडिट एंट्री हमारी वही बनेगी जिससे जिसमें हमें क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दी रही होंगी। एडिट एंट्री को ये सोच के बनाओ कि यूजर किस किस नाम किस किस तरीके से वो बुक को ले सकता है, ऑथर के नाम से ले सकता है, एडिटर के नाम से ले सकता है, ट्रांसलेटर के नाम से ले सकता है, तो उसकी हमें एडिट एंट्री बनानी है।
एक कार्ड हमने बनाया है। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वारीज वगैरह हो तो कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू, वेलकम।